हेलो माइकल, मेरे दोस्त, बोलो क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। मुझे YCT से पावरफुल सिक्योरिटी चाहिए थी। YCT में पावरफुल NSG सिक्योरिटी है, आ जाओ मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है टॉमी, मैं आ रहा हूँ YCT। तू भी को इंसान, तेरे में अकल नाम की चीज है भी या नहीं। मुझे क्या पता, ऐसा भी हो सकता। उस माइकल के बच्चे ने तेरा फोन हैक करके लाई लोकेशन निकाल ली और हमारे से पहले ही हम पे अटैक कर दिया। अब मेरे से कोई गलती नहीं होगी क्रूजर, मैंने उस फोन को अब फेंक चुका हूँ। फेंक दिया डगन के सामने मेरी इमेज और रिस्पेक्ट के टुकड़े टुकड़े करके। तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ काम करेगा? नहीं लगता है तो फिर मैं निकलता हूँ। इतने आसानी से नहीं, थोड़ी सी मिठाई खाते जाते ट्रेवर। ब्रूजर, ये तेरा आज का आखिरी की नौका है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा तेरे से, जितना तूने मुझे अभी मारा है। बेटा बच खेदी का। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो यार अभी आप देख सकते हो मिस्टर के की हेल्थ ना अभी बढ़िया है, मतलब देख रहे हो, मतलब ये और ठीक ठाक है। मतलब पहले ना वो चल भी नहीं सक रहा था, अभी यार सब कुछ बढ़िया है। तो अगर आपको लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आपको मैं एक शॉर्ट रिकैप दे दूँ। यार लास्ट एपिसोड में यार हम लोग ने खतरनाक वाली फाइट की यार क्रूजर के साथ में, एंड अब बहुत कुछ हुआ है। तो आप लोग जाके जरूर देख लेना पिछला एपिसोड, फिर ही आपको समझ आएगा क्या स्टोरी चल रही है। एंड गाइस सभी को बिग बिग शॉट आउट यार, सभी को यार जिसने भी कमेंट किया, सारे चेक पॉइंट्स टाइप किए ना यार, सभी को शॉट आउट गाइस, दिल से शुक्रिया। अभी देख सकते हो कितने ज़्यादा लोगों ने गाइस कमेंट किया है अभी सब लोग के, तो मैं नाम ले नहीं सकता उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप देखो अगर सबके नाम लेंगे तो गाइस 10 मिनट नाम लेने में चले जाएंगे। तो वेरी वेरी थैंक्स। तो आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ चेक पॉइंट। तो यार अभी यार सीन ऐसा है, अभी ना मेरे को आज कॉल आया था टॉमी का, क्योंकि ना हमको और सिक्योरिटी चाहिए NSG वाली। तो यार हमको उसने बोला है कि यार तुमको ना हम लोग NSG वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यार अभी टॉमी के पास मेरे को जाना है आज कैसे भी करके। और ना हमारे गाइस बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना वो भी मर चुके हैं। आपको पता है हमारे गाइस मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी के मैंने 4 बंदे लेकर गया था, बट वहाँ पर ना आपको पता है यार क्रूजर नाम का बंदा, यार मुझे लगा ये इतना खास नहीं होगा, बट ये इतना पावरफुल निकला ना, इसके पास हाईटेक वेपन था एंड यार हम लोग कुछ नहीं कर सके। उसके भी हम लोग ने बंदे मारे, बट हमारे भी ना सारे सिक्योरिटी के बंदे मर चुके थे, बट कोई बात नहीं। तो यार अभी हम लोग ना अभी हमको और पावरफुल वाली सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि ना यार ये वाली सिक्योरिटी जो है ना भाई ये भी पावरफुल है, बट यार अभी जो क्रूज़र वाली सिक्योरिटी ना यार वो भी खतरनाक है। मतलब वो भी एक कमांडो, आपने देखा ही होगा उसकी बॉडी इतनी खतरनाक है, क्या ही बोलूँ। तो अरे इस वीडियो का लाइक टारगेट है यार गाइस 1000 लाइक्स का कर देना यार। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना ही कमेंट करते हो, दिल से बुरा लगता है यार गाइस, कर दिया करना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहा है एंड मैं फास्ट फास्ट वीडियो डाल रहा हूँ। यार 1000 लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आप लोग तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, यहाँ पर मैं आप डाल दूंगा, आप देख लो कितने लोग ने सब्सक्राइब किया है और क्या नहीं किया। तो यार चलो अभी फटाफट से ना हम लोग हमारी लैम्बो में निकलते हैं एयरपोर्ट की ओर, क्योंकि ना अभी एयरपोर्ट में निकलना पड़ेगा। अभी YCT में जा रहा हूँ, अभी ना यहाँ पर हमारे कुछ सिक्योरिटी है बट अभी वो ज़्यादा ही कम हो चुके हैं। अभी यार मैली भी मेंशन, यार क्रूजर का कहना है कि यार ये वाला मेंशन पे वो अटैक कर सकते हैं, तो अभी मुझे ना खतरनाक वाली सिक्योरिटी लानी पड़ेगी कैसे भी करके, क्योंकि यार वो डगन का जो बंदा है क्रूजर, डगन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्रूजर को। एंड अभी आपको याद ही होगा यार अभी ना ट्रेवर भी हमारा दुश्मन हो चुका है, जो मास्क के अंदर बंदा था वो ट्रेवर था, जो हमारी लैम्बो वाली कार चुरा के गया। अभी वो वाली कार ना मैंने वहाँ से ली थी, अभी बेनी के पास मैंने दी है, तो वहाँ पे ना हमको जाना है बेनी के पास भी, बट अभी आज नहीं हो पाएगा, बेनी ने मेरे को कॉल कर दिया था। चलो यार ये निंजा तू ना फटाफट से अपनी गाड़ी निकाल एंड अपना काफिला लेके आगे चल। तो चलो यार यहाँ पर निंजा को मैंने बोल दिया चल तू फटाफट से आगे जा, मेरे पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना यार अटैक तो भाई हो नहीं पाएगा। तो यार चलो मुझे लग नहीं रहा अभी कोई अटैक कर पाएगा, अभी ना मैं हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी आप देख ही सकते हो कितना खतरनाक निकला क्रूजर, मतलब इतना खतरनाक ना मैंने सोचा नहीं था यार ये इतना खतरनाक निकलेगा। मतलब यार
क्या ही कमांडो यार, क्रूजर खतरनाक वाला कमांडो। तो उसके लिए ना हमको एनएसजी वाली सिक्योरिटी, आप लोग ने बोला यार एनएसजी सिक्योरिटी लो, एनएसजी सिक्योरिटी लो। तो यार अभी हम लोग जा रहे वाईजीटी एंड बहुत सारे बंदे चैट पे लिख रहे एआई एंड रोबोट सिक्योरिटी। तो यार उसके लिए भी वेट करो, आगे जाके हम लोग एआई सिक्योरिटी और रोबोट सिक्योरिटी लेने का ट्राई करेंगे। अभी तो हमारे मेंशन पे ना यही सारी सिक्योरिटी है। तो अभी ये जो एनएसजी सिक्योरिटी है हम लोग ना इनको ओल्ड वाले हाउस पे रखेंगे। ओल्ड वाला हाउस मतलब अपना हाई फील्ड वाला मेंशन है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है वहाँ पर मेरा एक भी सिक्योरिटी वाला बंदा नहीं है। अभी चलो यार फटाफट से गाइस ना हम लोग इधर आ चुके हैं हमारे एयरपोर्ट की ओर, हम लोग इधर आ चुके हैं। तो यार अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा फटाफट से यार। यार ये हमारी देख रहे सिक्योरिटी यार, फटाफट से चलो यार स्पीड में गाड़ी भगाओ। देख रहे हो 100 के नीचे चला रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी एयरपोर्ट आ गया नज़दीक तो फटाफट से निकलते। अभी मुझे पता नहीं यार वाई सिटी में क्या होने वाला, क्योंकि मैं वाई सिटी गया नहीं हूँ। तो यार पता है आपको वाई सिटी यार इतनी खतरनाक सिटी है ना, एंड टॉमी से हम लोग मिलेंगे यार, बहुत दिनों से उससे मिले नहीं है। तो यार फटाफट से जाएंगे और आज मेरे को गेम ख़त्म करना है, तो पूरी वीडियो वॉच करना गाइस, क्योंकि आज हम लोग क्रूजर को भाई खतरनाक वाली फाइट देने वाले हैं एनएसजी सिक्योरिटी। तो यार सारी की सारी वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वो तो कर ही दिया होगा आपने पता नहीं, और प्यारे से कमेंट कर देना। तो चलो यार यहाँ पे हमने ना एक प्लेन बुक करवाया था, क्योंकि आपको पता है अभी इतना पैसा है ना, इतनी वाली हमने एंटीनो का पैसा लूटा था ना, तो क्या ही बोले। तो हमने यार हमारा यार स्पेशल प्लेन बुक करवाया है वाई सिटी जाने के लिए। तो चलो यार निंजा फटाफट से उतर जा, तो निंजा मेरे साथ, तू निंजा तो मेरे साथ आने वाला है। एंड इनको मैं बोल देता हूँ यार तू ना हमारी लैम्बोर्गिनी एंड जो भी कार है ना हमारे मेली भी मेंशन पर पहुँचा दो। तो चलो इनको मैं बोल दूंगा सारे के सारे चीज़ें एंड हम लोग फटाफट से निकलते हैं। सो चलो यार इनको मैंने बोल दिया एंड ये लोग निकल रहे, देख रहे हो सारा का सारा ना भाई खतरनाक है। ये सिक्योरिटी भी खतरनाक है बट वो सिक्योरिटी का लेवल भाई ज़्यादा ही हाई, मतलब एनएसजी से सिक्योरिटी है ना भाई, वो हेलीकॉप्टर लेके आती है एंड भाई खतरनाक वाला, आपने उसका नाम सुना होगा। इतने कमेंट्स आए एनएसजी सिक्योरिटी लो, एनएसजी सिक्योरिटी लो। तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं, तो यार वीडियो को लाइक करना, अभी आपने लाइक नहीं किया तो यार लाइक करना। आप जो बोल रहे हो मैं वो कर रहा हूँ, हर चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो एक लाइक बनता है एंड एक सब्सक्राइब बनता है। सब्सक्राइब तो कोई कर ही नहीं रहा भाई, सिर्फ 20 या 40 या 30% ही सब्सक्राइबर है। तो यार चलो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब करोगे आप लोग तो। चलो यार इनसे एयरपोर्ट से ना बाहर कर देते हैं। यही वाला प्लान है क्या भाई? भाई ये वाला प्लान ना मेरे को बढ़िया लग रहा है, प्लेन बोल रहा हूँ, सॉरी गलती से प्लान बोल दिया। अरे कैप्टन साहब सब कुछ रेडी है ना? चलो यार फटाफट से बैठ जाओ, हमको अभी वाई सिटी निकलना है फटाफट से। मैं हूँ वो बोल रहा है ना, चलो अभी हम लोग निकल रहे, बट इसने दरवाज़ा तो खोल दिया है। तो ये अभी कह रहा है ना आप पहले देख लो हेलीकॉप्टर, सॉरी प्लेन को देख लो। बट यार ये प्लेन भाई लग्जरी है एंड इनका कहना है, एक सेकेंड भाई ये बोल रहा है ना हमको दूसरे प्लेन में जाना पड़ेगा। यार यार इतना बढ़िया लग्जरी प्लेन दिखा के बोल रहा है भाई, बोल रहा है आपके साथ ना मजाक कर रहा हूँ। यार ये ऐसे मजाक मत करो यार, तुमको फुल पैसे दिए, मतलब प्राइवेट में जाने के लिए फुल पैसा दे रहा हूँ भाई, इतना पैसा तुम्हें ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। बट चलो कोई बात नहीं यार, मजाक ये लोग किया मेरे साथ बट कोई बात नहीं। एंड निंजा भी मेरे साथ आ रहा है, क्योंकि ना यार हमारे पास पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वाई सिटी में आपको पता इतने ज़्यादा ना गैंग्स होते हैं भाई, वहाँ पर कुछ हो गया ना अकेले भाई तो मैं निकल जाऊंगा, मतलब फट जाएंगी। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ टॉमी भी वहाँ पे आने वाला है एयरपोर्ट में हमें लेने के लिए। तो चलो यार ये इतने धीरे धीरे चल रहे हैं ना पायलट यार, जब तक क्या ही बोले यार, फटाफट से चलो यार, मतलब मज़ा आ जाए ना फिर ही बोले। तो अभी हमको पता नहीं एनएसजी सिक्योरिटी कितने बाय करूँ एंड कितने बाय नहीं करूँ, उनकी प्राइस ना ज़्यादा ही होने वाली है। आपको पता है इनकी जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा ही होती है, मैंने नाम सुना है, मतलब 20 मिलियन 30 मिलियन तक जाएंगे 50 बॉडीगार्ड मैंने सुना है, पता नहीं 20 या 25। अरे दरवाज़ा क्यों लगा दिया भाई कैप्टन साहब? यार दरवाज़ा खोल के जाना पड़ रहा है, इसने दरवाज़ा ही लगा दिया पायलट ने। चलो हम लोग भी बैठ जाते हैं फटाफट से ना। और भाई अरे दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो यार? ये लोग बोल रहे हैं ना ऑटोमेटिक है, यार ऑटोमेटिक है तो यार हमको नहीं लेंगे। सो चलो यार हम दोनों बैठ चुके हैं यार, बढ़िया प्लान है, मतलब देख रहे सिर्फ हम दोनों, ये भी प्राइवेट वाला ही है। चलो यार यहाँ पे निंजा भी बैठ चुका है अपना रेड निंजा भाई, ये अभी तक मेरे को नाम नहीं बताया गया। ये बोल रहा है कि अभी निंजा हमारी ना कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो यार ये बात सच है यार, मेरे को ना इससे नाम वैसे निकालना पड़ेगा यार, इसका ना फेस रिवील करना है यार, इसने हमको अभी तक फेस भी नहीं दिखाया है और ना ही नाम बताया है। ये बोल रहा है निंजा कभी अपनी ना इन्फॉर्मेशन जो भी होती है पर्सनल प्राइवेट रखता है, तो यार ये बात सच ही लग रही है, आप लोग ने मेरे को बोला है बहुत ज़्यादा ही। तो यार कोई ना, इसका भी हम लोग फेस रिवील करवाएंगे एंड इसका नाम उसका पता करेंगे। तो चलो यार हम लोग, हमारा प्लेन जा रहा है वाई सिटी की ओर एंड देखते हैं वाई सिटी वायर में छाने वालों, बहुत दिनों के बाद यार आपको पता है वाई सिटी यार कितना बढ़िया मैप है एंड इसको हम लोग कितना गेम खेलते थे। आपने भी कभी खेला है कि नहीं वाई सिटी ज़रूर बताना एंड ये मेरा फेवरेट गेम था
तो चलो फटाफट से हम लोग निकलते हैं वाई सिटी की ओर। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं। आई थिंक लगभग 2 या 1 घंटे के बाद हम लोग ट्रैवल किया। मैं तो सो गया था, बट चलो यार अभी रेड निंजा ने बोला है कि ना अभी यहाँ पे वाई सिटी नज़दीक है, तो यार वाई सिटी यार यहाँ पे ही कहीं चलो यार। ये देख रहे हैं वाई सिटी ना भाई, एयरपोर्ट देख रहे हैं वाई सिटी का यार भाई, बढ़िया लैंड करवाना, वरना ऐसा ना हो कि यार ये प्लेन ही क्रैश हो जाए और हम लोग इधर ही टपक जाए। यार यहाँ पे वाई सिटी का यार मतलब मज़ा ही आ रहा है यार, देख रहे हो मतलब एक ही नंबर। चलो बहुत सही, फटाफट से ना इधर भाई बढ़िया सी लैंडिंग करवाइए पायलट ने, इसलिए मैं यहाँ पर पायलट लेके आया हूँ, क्योंकि ना हमें कोई पंगा नहीं चाहिए। अगर वहाँ हम लोग खुद का प्लेन लेके आते ना, मतलब चोरी करा हुआ, तो यार अगर यहाँ पे कोई पुलिस वाली पकड़ लेती ना तो पकड़े जाते, इसलिए मैं बोला यार बुक ही करवा दे, इतना पैसा है तो यार थोड़ा सा ना लाइफ स्टाइल जीते हैं तो यार रीच वन। चलो यार ये बोल रहे हैं ना हम लोग आ चुके हैं वाई, ठीक है कैप्टन, वेरी वेरी थैंक्स, अब तुम जा सकते हो या मेरा वेट करना, मुझे नहीं पता मैं कब आने वाला। ये बोल रहे हैं हम लोग रुके या जाए, यार देखो मुझे नहीं पता अभी कितना टाइम लगेगा, तो अगर ज़्यादा टाइम होता तो निकल जाना, क्योंकि यार आपको पता है इतने सारे प्लेन यहाँ पे भी है तो हम लोग इनसे भी जा सकते। तो यार अभी मुझे टॉमी ने बोला था कि वो ना यहाँ पर ही कहीं वेट कर रहा है कार लेके, मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा है टॉमी, टॉमी वर्स सिटी नाम है ना उसका पूरा ही। बट चलो यार वाई सिटी में यार टॉमी मतलब ख़तरनाक बंदा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही गैंगस्टर है ये बड़ा। अगर आपको पता नहीं है टॉमी कौन है यार, तो फिर आप तो कुछ जाने दो यार, आपको पता होना चाहिए टॉमी कौन है, टॉमी वर्स सिटी नाम है उसका फुल। तो यार टॉमी के पास जाएंगे, ख़तरनाक वाला गैंगस्टर है पूरा ही शहर में ना, मतलब क्या ही बोले अपना जैसा ही बंदा है। तो चलो फटाफट से जाते हैं एंड उससे मिलते हैं। यार कहाँ पे है भाई, यार वाई सिटी घूमने में पूरा मज़ा आएगा यार उसके साथ में। वो बोल रहा है कि ना आपको पूरा वाई सिटी घुमाएंगे, यार मेरे को वाई सिटी भी घूमना है एंड ना भाई एनएसजी सिक्योरिटी चाहिए इधर से, पता नहीं यहाँ पर ख़तरनाक वाली एनएसजी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर तो मेरे को अभी तक नज़र तो नहीं आया, भाई हम लोग बोला है कि यहाँ पर ही क्या होगा एंट्रेंस गेट पे, किधर है, हाँ यही लग रहा है मेरे को, चलो यही है क्या, हाँ मैंने अभी चेहरा देखा नहीं, हाँ यही है। फ़ोन में क्या कर रहा है, हेलो टॉमी भाई कैसे हो, चलो फटाफट से यार आ चुका हूँ माइकल आपका दोस्त, चलो इससे बातचीत कर लेते हैं एंड में फटाफट से कार में बैठ जाते हैं। तो चलो यार गाइस इससे बातचीत हो चुकी है एंड ये बोल रहा है चलो आपको ना फटाफट से आपको लेके जाता हूँ एनएसजी सिक्योरिटी के पास, चलो यार फटाफट से आ जाओ यार टॉमी भैया हमको ना लेके चलो एंड हमको थोड़ा सा वाई सिटी भी घुमा दो। यार वाई सिटी मतलब कितने सालों के बाद हम लोग आए इधर, यार चलो फटाफट से यार बैठ जाओ गाड़ी में, टॉमी बोल रहा है क्या, तो वेट करो थोड़ा सा ना, चलो कोई बात नहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड फटाफट से बोल रहा है गाड़ी चेक करो। यार इसकी गाड़ी क्या ही लग रही है भाई, कौन सी कार है भाई, बढ़िया वाली कार है एकदम, मतलब चमक रही है। यार तुम गाड़ी चलाओगे क्या टॉमी भाई, यार मेरे को चलाने दो गाड़ी, ये बोल रहा है नहीं मैं चलाऊंगा, अरे यार मैं वाई सिटी में आया हूँ, मेरे को तो इतना भी चांस नहीं दोगे क्या, चलो ठीक है वो बोल रहा है ना तुम ही चला लो कोई बात नहीं, ठीक है यार मैं चलाता हूँ। यार मैं इतने दिनों के बाद आया वाई सिटी, यार मेरे को थोड़ी सी तुम्हारी कार का भी मतलब ड्राइव हो जाएगी एंड ना मस्त पेगी, हम लोग कार भी चला लेंगे। तो चलो यार वो बैठ चुके हैं पैसेंजर सीट में, रेड निंजा तू कहाँ घूम रहा है, तू भी बैठ जा, तुझे भी एडवांस से बोलना पड़ेगा क्या। तो चलो यार यहाँ पे हम लोग टॉमी एंड रेड निंजा बैठ चुके हैं, फटाफट से हम लोग निकलते हैं, थोड़ा सा ना मैं वाई सिटी में घूम भी लूँगा एंड ना हमारी एनएसजी सिक्योरिटी वाला भी काम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बिजनेस खोल लूँ, अभी लॉस सेंटर्स में तो हमारा गाइस दो शोरूम मतलब बिजनेस मतलब भी है नहीं, बट चलो कोई ना कोई बिजनेस मतलब दो शोरूम खरीदने, अभी एक तो गैरेज हमने बनवा दिया है बट अभी टाइम मिल नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है यार क्रूज़र एंड उसके ड्राइवर हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, और डग्गन तो यार काम करवा रहा है दोनों से, मतलब ड्राइवर को खरीद लिया और क्रूज़र को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मेरे को मरवाने का। तो कोई बात नहीं, अभी एनएसजी सिक्योरिटी से इनका ना आज मैं गेम ख़त्म करने वाला हूँ, आज की आज ही गेम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ना अभी मेरे को लोकेशन मिल चुकी है, मतलब अभी हम लोग ड्राइवर का फ़ोन हैक कर चुका है, पता नहीं उसे पता है कि नहीं, जो हमारा हैकर है ना, जो लेडीज़ जो आपको पता है सोनिया नाम की, जो मैंने हैकर को बचाया था, तो उसने ना ट्रेवर का कल पिछले एपिसोड में आपने देखा उसका हमने फ़ोन हैक करके उसकी लोकेशन पे अटैक कर दिया है, वो जब मीटिंग कर रहे थे पता नहीं पूरा प्लान चौपट कर दिया, आज भी हम लोग उसकी लोकेशन निकालेंगे, देखते हैं क्या सीन है। तो चलो यार वाई सिटी देख रहे हो मतलब मज़े यार, अगर आपको वाई सिटी पसंद है तो इस वीडियो पर लाइक कर देना एंड इस वीडियो का चेक पॉइंट है
YCTOP लिख देना अगर मेरे को पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। YCTOP है पहला चेक पॉइंट है, तो अभी आपको और ज़्यादा चेक पॉइंट्स मिलेंगे तो YCTOP ज़रूर लिख देना क्योंकि ये एंड। चलो यार रस्ते में मेरे को टॉमी बोल रहा है कि देखो हम लोग रस्ते में तो जा रहे हैं, अभी उससे पहले आप मेरा मेंशन देख लो जो कि मैंने बहुत सारे गुंडों को मार के कब्जा कर लिया। ओ भाई साहब इसका मेंशन ये बोल रहा ना, चलो थोड़ा सा अंदर चलो। मैं बोला यार चलो ठीक है चलो अंदर चली जाते हैं। वो बोल रहा है इतना बोल रहा है ना थोड़ा खाना पीना का। मैं बोला यार खाना गिना नहीं, बस यार घर देख लेंगे तेरा मेंशन देख लेंगे। बोल रहा है अंदर लो यार। भाई चलो यार देख ही लेते हैं, अभी इतना हमारे लिए वो कर रहा है ना तो भाई देख ही लेते हैं घर क्या पता। भाई बढ़िया वाला मेंशन है, मतलब एक ही नंबर देख रहे हो भाई। ये वाला मेंशन इसने बोला ना भाई बड़े बड़े वाले माफिया को मार के मैंने हासिल किया। यार इसके मैंने टॉमी के तो बहुत ज़्यादा ही चर्चे सुने, आपने सुना है कि नहीं बताना ज़रूर बोलना है, YCTOP ज़रूर लिख देना। तो यार चलो यार फटाफट से ना इधर से निकलते हैं। हमारे जो काम के लिए हम लोग आए ना YCT में, YCT तो हम लोग कभी भी घूम सकते हैं, बट अभी हमको जाना है हमारे सिक्योरिटी बाय करने के लिए और उनका देखना है। यार पता नहीं नाम तो बहुत सुना है तुम लोग ने कमेंट्स में तो भाई भर भर के रख दिया, तो फटाफट से निकलते हैं और आपको ना वहाँ पे मिलते हैं हमारे सिक्योरिटी के पास। और राइट गाइज यहाँ पे हमको आ चुके हैं और वो बोल रहा है क्या ना यहाँ पे हमारी कहीं मीटिंग फिक्स हुई है, तो टॉमी ने हमारी मीटिंग फिक्स करवाई है यहाँ पर ही गई। सो चलो यार इधर से हम लोग इनसे बातचीत कर लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देते हैं। चलो फटाफट से इधर से हमको एंट्री कर देंगे। ओ भाई यहाँ पर बहुत सारे NSG के सिक्योरिटी वाले बंदे हैं। चलो यार बहुत सही एंड इनसे हम लोग को बातचीत करनी होगी, देखते यार कैसे होता है और क्या सीन है एंड क्या नहीं है। तो चलो आ जाओ टॉमी भाई फटाफट से और थोड़ी सी बातचीत करवा लो, सस्ते में मिल जाए तो बढ़िया है, डिस्काउंट भी मिल गया ना तो बढ़िया हो जाएगा गाइस। तो चलो इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है गाइस एंड इनके सिक्योरिटी लेकर ना मेरे को लग रहा है बढ़िया वाला मज़ा आने वाला है। तो चलो यार इनसे ना फटाफट से गाइस मैं बातचीत कर लेता हूँ और देखते हैं ये लोग मेरे को क्या बोलते हैं एंड क्या डिस्काउंट। और राइट गाइस इनसे ना बातचीत हो चुकी है एंड ये बोल रहे हैं कि ना आप लोग हमारी सिक्योरिटी को देख सकते हो एंड क्या सीन है। तो यार आप लोग बताना यही वाली NSG सिक्योरिटी है या कोई फेक है, मेरे को बताना गाइस, क्योंकि ना बहुत सारे बंदे बोलते यार आप लोग फेक सिक्योरिटी खरीदते हो यार, फेक सिक्योरिटी खरीदते हो, तो यार ये वाली सिक्योरिटी रियल है या फेक है हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत सारे गाइस ऐसे स्कैम हो चुके हैं हमारे साथ, क्या ही बोले, मतलब हमको लगा सिक्योरिटी रियल है बट फेक मिल जाती है क्योंकि ना। चलो कोई बात नहीं, ये वाली मेरे को रियल लग रही है, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में एंड ये वाली सिक्योरिटी आपको कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है। एंड ये बोल रहे ना इनके साथ हेलीकॉप्टर भी आएंगे, मतलब चलो यार ये हम लोग अगर सिक्योरिटी खरीदते हैं तो इनके साथ ना हम लोग को भाई हेलीकॉप्टर मिलेंगे एंड ना चार जो होते हैं ना कॉम्बैक्ट स्प्राइट जो ऑफ रोडिंग वाले होते हैं जिसमें गन लगे हुए होते हैं वो वाले भी मिलेंगे। तो यार बट ये बोल रहे ना 20 मिलियन में आपको 50 मिल जाएंगे, तो यार ये भाव कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इन्होंने, $20 मिलियन में 50 आपको NSG सिक्योरिटी मिल जाएंगी। तो यार इनके पास सब कुछ है, RPG सब है भाई साहब, इनके पास हाईटेक वेपन भी है बट हाईटेक वेपन में मतलब वो एयर है ना कोई ना, आपको मिल जाएंगे सब कुछ। चलो ठीक है यार, मतलब ये वाली रियल है यार डुप्लीकेट है मेरे को आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही बोलते हो यार, मतलब क्या ही बोलूँ। तो चलो यार इनको मैंने बोला है ना अभी टेस्टिंग के लिए, तो यार ये देख रहे हो यहाँ पर हेलीकॉप्टर एंड बढ़िया है गाइस। चलो यार बहुत सही है यार, मुझे तो पसंद आई है टॉमी, ये वाली सिक्योरिटी मतलब बढ़िया लग रही है, मतलब ख़तरनाक वाली फीलिंग आ रही है कि यार ये ना मुझे जिता सकते हैं क्रूजर के साथ। तो चलो यार भाई मुझे ना ये वाली सिक्योरिटी बढ़िया लगी है, एक काम करो इनका हम लोग टेस्ट से करना है, मेरे को चेक करना ये रियल है या फेक है ठीक है ना। तो ये कह रहा है मैं इनसे बातचीत कर ले तो देखते हैं क्या कहते हैं। सो ऑलराइट गाइस इनसे मैंने बातचीत कर ली है एंड ये मुझे कह रहा है कि यार देखो हम ना आपको एक थोड़ा छोटा सा प्रोमो दिखा देंगे। चलो ठीक है, वो कह रहे हैं ना हम आपको दिखा देंगे हमारी पावर कैसे, हमारा एम कैसा है, जो रियल होता है वो रियल होता है, हम लोग कोई फेक नहीं है। चलो ठीक है यार, अभी ना हम लोग YCT में आए, आपको पता है YCT में कितने ज़्यादा भाई खतरनाक वाले घफले होते हैं, इसलिए मैं बोला यार एक बार ना इनका हम लोग वो चेक कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इनका एम कैसा है, तो मैंने एम चेक करना ज़रूरी है। तो यार फटाफट से ना इनका एम चेक करते हैं, अभी मुझे पता नहीं है यहाँ पे पता चल जाएगा कैसा रियल है या फेक है, तो इनका एम मुझे देखना है ना, आप लोग भी बताओ ये रियल है या डुप्लीकेट, आप लोग को ज़्यादा पता है गाइस। तो फटाफट से यार हम लोग पहले देख लेते हैं कहाँ पर एम करने वाले। अच्छा यहाँ पर ना देख रहे हो यहाँ पर टारगेट रखे, चलो यहाँ पर ये लोग फायर करेंगे एंड एक्यूरेसी चेक होगी इधर। ओके ओके यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिस करते आए थे, चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ पर ना अपने 4-5 लोग को बुला लो फटाफट से। टॉमी यार तुझे क्या लग रहा है, ये रियल सिक्योरिटी है ना, कोई मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है ना। चलो यार NSG टॉमी बोल रहा है यार ये देख ये YCT की सबसे खतरनाक NSG सिक्योरिटी है,
एंड ख़तरनाक वाली है, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी में से ये वाली आती है। तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलो अभी टेस्टिंग वेस्टिंग करवाएंगे फटाफट से। यार ये लोग आने वाले हैं, चलो यार वो देख रहे हो पीछे से आ रहे हैं, यार देख रहे हो मतलब इतने धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी दौड़ते हुए तो आएंगे नहीं, तो यार अभी देखना है कि इनका एम एक्यूरेसी कैसी है। तो यार आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, ख़तरनाक वाली है। वो देखो इतने दूर से फायर कर रहा है, ओ भाई थोड़ा नज़दीक आके कर ले भाई इतना दूर से। ओ भाई साहब इतने दूर से ना एक्यूरेसी भाई साहब। चलो यार थोड़ा नज़दीक आके कर दो यार, कोई बात नहीं, हमको वैसे भी लॉन्ग रेंज में फ़ाइट तो करनी होती नहीं, शॉर्ट में हम लोग फाइट करते हैं क्योंकि आपको पता है हम लोग पीछे से फाइट नहीं करते। एंड चलो इनकी एक्यूरेसी हम लोग चेक कर लेते। ओ बहुत सही, बिल्कुल ही सेंटर में फायर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही टारगेट में। सब एक साथ करो तो मज़ा आ जाए, बट चलो कोई ना, अभी एक का चेक कर लेते हैं, वो अभी साथ में वो करेंगे। एंड बहुत सही, इसका भी बढ़िया एम है, बिल्कुल एम, इनका एम भी चेक करूँगा मैं, इनका एम भी जाके चेक करेंगे ज़रूर ज़रूर। एक सेकंड में पहले मेरी यहाँ पर देख लूँ इनका एम, इसने तो फायर ही नहीं किया है, किधर फायर किया है, अच्छा इधर फायर किया है। ऑल राइट, इनका हम लोग एम चेक करेंगे फिर से एक बार फायर करना, मैंने देखा नहीं है, आई थिंक ये पहले से हो सकता है, ये पहले से हो सकता है कैसे हम लोग को पता नहीं, तो एक बार चलो फिर से मैं इनको बोलता हूँ चेक कर ले क्योंकि ऐसा ना हो। बट चलो यार वो फायर तो कर रहा है एंड बहुत सही। चलो अब इसका देख लेते हैं, इसने फायर किया इधर, पहले तो यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा था। ओ एक सेकंड अब दिखा रहा है, हाँ वही बोलूँ मैं, पहले कहाँ फायर किया, वो बिल्कुल सेंटर में मारा है, मतलब एक नंबर गैस, बिल्कुल एक गोली उधर ना एक गोली उधर। तो यार ये मेरे को लग रहा है ये रियल वाली सिक्योरिटी एनएसजी वाली, वरना कुछ लोग कपड़े पहन के आ जाते हैं भाई। चलो यार एकदम सही है, इनकी एक्यूरेसी एकदम सही है, देखो भाई ऑलराइट गाइस, क्या ही मतलब मज़ा आ रहा है देख रहे हो यार। चलो यार मानना तो पड़ेगा रियल है, मतलब जहाँ एम किया वहाँ पे फायर, बिल्कुल टारगेट पे बिल्कुल, मतलब बाहर ना यार। अभी मैं एक बार ना इस, बढ़िया लग रही है, आप लोग बताना कैसे लग रही है, मतलब मज़ा आ चुका है, मतलब इनका एक्यूरेसी देख के ना मेरे को ये सिक्योरिटी जल्द से जल्द मेरे मेंशन पे चाहिए। बट हमारे मेंशन पे भी जगह तो नहीं है यार, तो मुझे ना लग रहा है जो हमारा ओल्ड वाला मेंशन है जिसको हमने सबसे पहले परचेज किया था, हमारा हाई फील्ड वाला मेंशन, तो वहाँ पर हम लोग इनको रख सकते। चलो अभी मैं देखता हूँ एक बार ट्राई करके, मेरा खुद निशाना लग नहीं रहा है, एक बार देख रहे हो लग रहा है, बट थोड़ी सी ना जब फायर करता ना गोली ऊपर नीचे हो जाती है, एक्यूरेसी नहीं आती इतनी। देखो मेरे खुद ना ऊपर नीचे जा रही है, बट देख रहे हो थोड़ा हम लोग फायर करते हैं ना तो ऊपर हो जाता है गोली, आपको पता है थोड़ा सा ड्रैग करते ना तो थोड़ा सा गाइस वो हो जाता है। तो देख रहे हो मेरे कुछ गोली किधर लगी, देख रहे हो ये तीन चार गोली ना मेरी लगी हुई है उसके बिल्कुल ना बीचों बीच हो रही है। बट चलो कोई बात नहीं, एकदम गाइस सही लग रहा है, मतलब रिकॉइल जो हो रहा है ना, कोई बात नहीं हमारा रिकॉइल हो जाता है, बट इनका बिल्कुल ही गाइस जीरो रिकॉइल पर चल रही है, इसने भी सही चलाया, बहुत सही है। सो यार लग रहा है ये रियल वाली है, तो मैं परचेस कर लेता हूँ। एंड टॉमी यार ये ना सिक्योरिटी हमको पसंद आई, तो यार चलो इसका हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे एंड ये लोग ना हमको फटाफट से डिलीवरी कर देंगे। एंड इसे पूछते यार कब तक आएंगी, तो एक बार मैं इससे पूछ लेता हूँ। देखो यार डील कम्प्लीट हो चुकी है सर, आपके 20 मिलियन डॉलर ना मैं आपके ऑनलाइन अकाउंट में पहुँचा दूँगा, एंड आप लोग ना मेरे जो एड्रेस दिया है वहाँ पर सेंड कर देना मेरे सारी सिक्योरिटी का, इनका नंबर गंबर मेरे को दे देना। सो चलो यार वैसे जो डील हो चुकी है कम्प्लीट पहले हो चुकी थी, मतलब जब हम उनसे मिले, बट चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा टेस्ट करवा लेते हैं। सो यार सिक्योरिटी तो एकदम सही है, मतलब भाई ख़तरनाक वाली है। एंड हेलीकॉप्टर भी मिल रहा है यार, ये तो बढ़िया चीज़ है। एंड इनके पास जेट भी है, तो उन्होंने कहा है अभी जेट ना हमारे जो ऑफिशियल सीक्रेट बेस है वहाँ पर है, तो जहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग बोले यहाँ पे ना हम लोग जेट नहीं लाए, अभी हेलीकॉप्टर्स पे आए। तो चलो यार ठीक है, बढ़िया लगा सर आपसे मिलके, हम लोग आएंगे फिर से, अगर सिक्योरिटी बाहर करनी हो तो आपसे ही करेंगे। तो चलो इनसे बातचीत में हम लोग मतलब निकलते इधर से। एंड भाई साहब यहाँ पर डील हो चुकी है कंप्लीट, एंड को हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, और यहाँ पर ना वो हमारे लॉस सैंटोस में हमारे जो पहले भी मेंशन पे वहाँ पे तो मैं बुलाना चाहता हूँ। देखो मैं बोल के आया हूँ अकेला, ठीक है, मैंने पूरा मेंशन पे किसी को नहीं बोला कि मैं इधर सिक्योरिटी बाय करने के लिए आ रहा हूँ, वरना उन लोग को बुरा लग जाएगा। ऑलराइट गाइस यहाँ पे ना हम लोग चलते चलते इधर आ चुके थे, एंड यहाँ पर थोड़ा सा ना रास्ता ब्लॉक किया किसी ने। टॉमी बोल रहा है देखो यार ये ना लोकल गुंडे हैं, एंड ये ना ऐसे रास्ता ब्लॉक करके रखते हैं, यार ऐसे कैसे चलेगा यार, ये सिटी है मतलब गैंगस्टर से भरी पड़ी है क्या टॉमी। यार ये यहाँ पे किसी को ना उन्होंने भाई हेड पे एम किया है, एंड पता नहीं लूट रहा है आई थिंक उनको भाई, एक एक बार ही सबको लूट रहे हैं। अभी ये लोग ना गलत रास्ते में फंस चुके हैं भाई, ये जो भी लोग आ रहे हैं ना सबको लूट रहे, देख रहे अभी लग रहा है हमको भी लूटने वाले थे, बट चलो इनको भाई टॉमी क्या करे, एक बार बोल इनको ठोक दे क्या। टॉमी बोल रहा है मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ, मैं तो हमेशा ठोकते रहता हूँ इन लोग को,
आप बोलो यार, अभी यार वाई सिटी में आए तो थोड़ा सा फन तो करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो चलो एक काम करो, इनको उड़ा देते हैं। वैसे भी यार वाई सिटी में यार खतरनाक वाली गैंग फाइट मैंने कभी नहीं की है माइकल ने, तो चलो यार खतरनाक वाली माइकल एक बार इनको टॉमी एक बार पावर दिखा देते। चलो अटैक कर दो फटाफट से। सो चलो यार इनको ना इनकी औकात दिखा देंगे। एक सेकंड, ये यार ये लोकल वाले बंदे यहाँ के ना ये अलग अजीब लोग हैं, डायरेक्ट ठोक देते हैं। चलो इनको ना भाई मार रहा हूँ, इनको बचा रहे हम लोग, ये हमको ठोक रहे। चल भाई तू भी ले ले। चल पहुँचू, तू भी गया। अभी पहली फाइट है हमारी वाई सिटी में यार, मतलब मज़े आ चुका है। चल बेटा तू भी ले, फटाफट से इनको निपटा लेते हैं और इनको बताते हैं कि यार अभी ना खतरनाक वाले, अभी यार तीन तीन खतरनाक वाले माफिया इधर आ चुके हैं, मतलब क्या ही बोले। यहाँ पे टॉमी के साथ फाइट करने में मज़ा आ रहा है, मतलब पहली बार मैं फाइट कर रहा हूँ टॉमी के साथ, क्या बता, आगे जाके हम लोग और भी बढ़िया दोस्ती हो जाए एंड हम लोग ना बढ़िया बढ़िया वाले काम करें, बिजनेस करें। एंड वाई सिटी में इसका बढ़िया वाला बिजनेस है, तो क्या पता हम लोग इसके साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। चल बेटे तू भी ले। और भी कुछ लोग हैं क्या टॉमी? कितने लोग हैं? और भाई ज़्यादा ही लोग लग रहे हैं मुझे भाई। ये वाले ब्रिज पे ना ये लोग लूटे, मतलब लूट कर रहे हैं यार, क्या ही बोले। रेड निंजा भी मार रहा है, इनको लग रहा है ना सब लोग मर चुके। भाई सबके हेड पे गोली मारूंगा भाई। पिछले वाले गेम में, पिछले वाले वीडियो में तुम लोग ने मुझे नूब बोला, पता नहीं क्यों यार, एंड ज़्यादा ही हेट मिला पिछले वाले वीडियो में। आई डोंट नो वाई क्यों यार, पता नहीं ऐसा क्या कर दिया मैंने, मुझे ज़्यादा ही हेट मिल गया पिछले वाले वीडियो में। तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़रूर गाइस। चलो यार फटाफट से इनको, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे यार, इनको ना फटाफट से निपटा दूँ। चलो फटाफट से इनको, और भी है क्या? मेरे को नज़र नहीं आ रही फायर क्या कर रहा है यार। ये देखो भाई, भाई ये वाई सिटी के बंदे ना भाई अजब है भाई। लॉस एंटर्स में क्या होता है, बंदे रोक देते हैं गाड़ी, ठीक है ना। और ये देखो डायरेक्ट ठोक रहा है भाई। यार ये लड़की कौन है भाई, बार बार इधर ही ठोक रही है। ये देखो ये कार में बैठा है। चल भाई तू भी ले, अभी सबके हेड पे गोली मारूंगा। ये लो ये लो ये लो, तू भी ले ले भाई, अब कोई लोग नहीं बोलेगा मेरे को। चल भाई तू भी ले ले। चल बेटा तू भी गया। यार देख रहा टॉमी ना खतरनाक वाला गेम खेल रहा है। चलो मतलब एकदम ही खतरनाक वाली फायरिंग कर रहा है, लग रहा है सब क्लियर है। और भी है क्या टॉमी? और भी है लग रहा है मुझे। तू टॉमी बोल रहा है और भी हो सकते हैं, वेट देख के रहना क्योंकि ये कहाँ से भी टपक जाते हैं। चलो लग रहा है सब क्लियर है। चलो यार बिल्कुल ऐसा, ये पता नहीं कौन सी गैंग थी यार, ये लुटेरे लग रहे हैं मुझे भाई। मतलब देख रहे रास्ता ब्लॉक करके ना जो भी आ रहा है सबसे भाई पैसा वसूल कर रहे हैं, मतलब क्या ही बोले। तो टॉमी बोल रहा है देखो वाई सी टी में आया हूँ ना तो ऐसी आदत लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ना ऐसे चकमक होते रहते हैं एंड फाइट होती रहती है, तो यार यहाँ पे। चलो यार ये तो सही है बट उसको कोई बात नहीं है, तो पता है वाई सी टी में यार गाइस हंगामा तो होते रहते। यार पीछे बैठ जा यार, रेड निंजा आगे बैठ गया तू भी। चलो यार कोई बात नहीं, रेड निंजा बोल रहा है ना मैं आगे बैठूंगा, पिछली बारी मैं पीछे बैठा था। चलो यार कोई बात नहीं, कहाँ पर बैठ जाओ, कार तो वैसे अपनी है नहीं। एंड ये वाली कार देख रहे हो क्या ही मस्त कार है, मतलब देख रहे हो। ओ भाई सो यार अभी ना फटाफट से हमको निकलना है हमारे एयरपोर्ट पे, अभी डील हो चुकी है कंप्लीट और यार ज़्यादा ही वाली खतरनाक वाली फाइट हो चुकी है एंड मेरे को इंतज़ार नहीं हो रहा है ये वाली फ़ाइट। हम लोग ये वाली सिक्योरिटी से भाई क्रूज़र पर आज ही अटैक करेंगे भाई, आज ही अटैक करने वाला है उसके मेंशन पे। जैसे हमारे हैकर को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी लोकेशन की, तो आपको मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर ही गाइस। एंड फटाफट से ना गाइस निकलते हैं और आज की आज ही हमें उस पर अटैक करना है कैसे भी करके, आज की आज, क्योंकि आपको पता है क्रूज़र कितना खतरनाक बंदा है एंड उसका प्लान में कुछ भी चल सकता है डगन भाई। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर हम लोग फाइनली आ चुके हैं लोकेशन की ओर एंड मतलब एयरपोर्ट की ओर। तो अभी हमको हमारे घर वापस जाना है, तो यार चलो टॉमी हमको छोड़ देगा भाई। बढ़िया वाला है यार लॉस एंटोस का ना एयरपोर्ट, मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सॉरी वाई सी टी का एयरपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है कंपेयर टू लॉस एंटोस, क्योंकि लॉस एंटोस में इतना मज़ा नहीं आता है, आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ा है बट यार फील नहीं आता है। तो आप लोग बताना आपको कौन सा वाला एयरपोर्ट पसंद है और क्या ही बोले गाइस। चलो फटाफट से अभी यहाँ पर मेरे को यार हमारा जो प्लेन था वो लोग चले गए यार, वो लोग ना यार मैं उनको बताना भूल गया, मैं उनको कॉल करना भूल गया। कोई बात नहीं, बातों में हम लोग भूल चुके हैं, लगता है वो लोग ना वापस लॉस एंटोस से आ चुके। मैंने उनको बोला था देखो हमें कितना भी टाइम लग सकता है बट कोई बात नहीं, चलो फटाफट से हम लोग इधर से इधर ही गए ना, एक हेलीकॉप्टर ढूंढ लेते हैं, क्या पता कोई प्लेन मिल जाए। हेलीकॉप्टर तो नहीं, प्लेन ही मिलेगा यहाँ पर। एक सेकंड यहाँ पर मैं देख लूँ, लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ पर ही कई जगह है, हैंगर्स इधर ही है तो हैंगर में होते आए थे। टॉमी बोल रहा है राइट में देखे, राइट में इतने सारे प्लेन रखे,
एक सेकंड, ये भी लग रहा है टॉमी बोल रहा है पीछे देखो, पीछे इतने सारे प्लेन खड़े, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मुझे दिखे नहीं, मैं इधर आ गया गलती से, चलो कोई ना। अभी टॉमी बोल रहा है तू इधर देखने की बजाय उधर क्या देख रहा है यार? मुझे ना पता नहीं कि यार हैंगर में होते हैं, बट चलो इधर रखे तो कोई बात नहीं, ये तो हैंगर के अंदर होना चाहिए ना, बट चलो कोई बात नहीं। इसमें से कौन सा भी एक प्लेन लेके ना भाई फटाफट से निकल जाते, छोटे छोटे वाले प्लेन है, बढ़िया है। चलो इसी को आज इसी को लेके जाएंगे एंड फटाफट से यार निकलते लॉस सैंटोस। चल यार टॉमी, यार टॉमी थोड़ा सा, यार टॉमी को पहले बाय तो बोल दो यार। टॉमी वेरी वेरी थैंक्स यार, तूने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी डील करवा ली एंड मेरे को यहाँ तक इतना बढ़िया वाला काम पहुँचाया एंड क्या ही बोल, तो उसके लिए थैंक्स, चल बाय बाय। तो वो बोल रहा है ठीक है यार, थैंक्स यार, तुम पर क्या यात्रा कहेंगे यार। हम लोग वो बोल रहा है ना, अभी मैं भी लॉस सैंटोस में आने वाला हूँ, तो चलो यार उसको बढ़िया वाली हॉस्पिटलिटी करेंगे। अगर वो आता है लॉस सैंटोस में तो उसको भी हम लोग बढ़िया वाला ना उसका हम लोग वो करेंगे। तो चलो यार टॉमी जा रहा है एंड हम लोग भी निकलते हैं हमारे शहर लॉस सैंटोस में, हमारे मैंशन पर। और मैंने अभी तक किसी को बोला नहीं है, मिस्टर के को भी नहीं बोला है, ना ही मेरे सिक्योरिटी को पता है कि मैंने एक और सिक्योरिटी बाय कर ली है, तो उनको मैं पता भी नहीं करने दूंगा क्योंकि उन्हें बुरा लग जाएगा, उन्हें लगेगा कि यार देखो हमारे होते हुए उससे नई सिक्योरिटी बाय कर ली क्योंकि आप लोग ने बोला था चैट में कमेंट करके। तो कोई बात नहीं, उनको गाइस थोड़ा सा बैड फील होगा, इसलिए मैं उनको ना अलग वाले मेंशन पे रखने वाला हूँ, बट कोई बात नहीं। तो चलो फटाफट से हम लोग निकलते हैं हमारे लॉस सैंटोस की ओर, और क्या ही बोले गाइस, फटाफट से ना निकल जाते हैं और मिलते हैं आपको लॉस सैंटोस। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फाइनली लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पर, और यहाँ पे फटाफट से मैं लैंड करवा लेता हूँ एंड चलो यार यहाँ पे बढ़िया से लैंडिंग में करा पाऊँगा कि नहीं यार। मैंने बहुत पहले चलाया था ये वाला प्लेन, बट चलो यार आई होप कि बढ़िया से लैंडिंग हो जाए। ऑल राइट, ओके ओके ओके, थोड़ा सा रनवे में लाइट में आ गया हूँ, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ही सही वाली लैंडिंग, एकदम ही बढ़िया वाली। तो चलो कोई बात नहीं, बढ़िया सी लैंडिंग हुई है और फटाफट से यार हम लोग को निकलना है अभी हमारे घर पर, और देखते हैं क्या सीन है। मेरे को तो यार मतलब मज़ा ही आ रहा है। चलो यार ये वाला प्लेन बढ़िया है, मतलब हैंडलिंग के लिए ना एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है, एकदम बढ़िया वाली फीलिंग है। चलो यहाँ पे पार्क कर लेते हैं, वरना उधर पार्क करेंगे ना तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि हमको यार पुलिस से पंगा लेना नहीं है अभी, ठीक है ना? आपको पता अगर पुलिस पीछे लग गई, पहले मेरे इतने सारे दुश्मन, क्रूज़र हो गया, ट्रेवर तो मेरा दुश्मन हो चुका है, डगन बॉस तो है ही, और बालास गैंग से भी मैंने पंगा लिया, बट बालास गैंग के बंदों को हमने इतना पेला है कि मुझे लग नहीं रहा हूँ अभी ना 3-4 महीने तक मेरे पर अटैक कर पाएंगे। तो चलो यार फटाफट से अभी हमारी कार लेने के लिए कोई आया कि नहीं, हमें लग रहा है हमारी कार लेने के लिए कोई आया नहीं है। चलो यही कार, अभी चोरी मैंने की नहीं, अभी बहुत दिनों से मैं इतना इनोसेंट बन के खेल रहा हूँ ना, थोड़ी सी माफी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, बट चलो अभी हमको कार चुरा ही लेते। बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं तुम लोग कुछ चुराते नहीं हो, कुछ यूज़ नहीं करते हो आरपीजी। देखो यार हर समय ना हम लोग आरपीजी लेके तो घूम नहीं सकते ना, पिछले वीडियो में आपने बोला यार तुम आरपीजी से मार नहीं रहे हो उसको, यार देखो हर टाइम हम लोग आरपीजी लेके घूम तो नहीं सकते ना, थोड़ा समझो यार गाइस, इसलिए मैंने मारा नहीं उसको। एंड कुछ लोग बोल रहे थे तुम लोग उसको स्नैपर से भी मार सकते थे क्रूज़र को, बट मारा नहीं यार। देखो अगर पीछे से वार करूँगा तो दूसरे लोग बोलेंगे नूब, अगर सामने से वार किया तो भाई लोग बोल रहे पीछे से क्यों नहीं मारा, तो यार दोनों तरफ से फंस गया। तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट से हम लोग निकलते हैं हमारे वाले मैंशन पर, और गाइस फटाफट से निकलते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है और क्या नहीं है। एंड एक सेकंड, ये क्या कर रहा है, रास्ता तो दिख नहीं रहा भाई, गाड़ी देख के चला ले। तो फटाफट से अभी निकलना पड़ेगा इधर से एयरपोर्ट की ओर एंड देखते हैं भाई सब क्या सीन है यहाँ पर। तो बढ़िया है, तू भी ओको विंसान, तेरे में आकर नाक की चीज है भी यानी मुझे क्या पता ऐसा भी हो सकता, उस माइकल के बच्चे ने तेरा फोन हैक करके लाइव लोकेशन निकाल ली और हमारे से पहले ही हम पे अटैक कर दिया। अब मेरे से कोई गलती नहीं होगी क्रूज़र, मैंने उस फोन को अब फेंक चुका हूं। फेंक दिया डगन के सामने मेरी इमेज और रिस्पेक्ट के टुकड़े टुकड़े करके, तुझे क्या लगता तू मेरे साथ काम करेगा? नहीं लगता तो फिर मैं निकलता हूँ। इतने आसानी से मैं थोड़ी से मिठाई खाते जाते ट्रेवर। क्रूज़र ये तेरा आज का आखिरी की नौका है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा फिर जितना तुम्हें मुझे अभी मारा है, बेकार पछखेदी का।
ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं हमारे मेंशन पर, और चलो फटाफट से यार, अभी हमारे गाइस सिक्योरिटी का वेट करना है। गाइस कब तक आएंगे मुझे नहीं पता, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे। एंड वहाँ पे ना हमारे सारे हेलीकॉप्टर्स एंड जो भी ये जेट्स लेने भाई, वो सब लोग गाड़ी लेके आने वाले YCTs है डायरेक्ट लॉस एंजेलिस में। तो फटाफट से ना यहाँ पर मैं एक गाड़ी चुराई हुई गाड़ी ना फटाफट से इधर लगा लेता हूँ। ये गाड़ी को फटाफट से बाहर करना पड़ेगा भाई। चलो कोई ना, बॉडी गार्ड्स को बोल देंगे यार ये गाड़ी को ना बाहर कहीं भी छोड़ के आ जाओ, वरना भाई पुलिस गली से आ गई ना भाई, ये किसी की बड़ी बंदे की गाड़ी हो गई ना यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यार इस वीडियो का चेक पॉइंट है, सारे के सारे बंदे लिख देना NSGOP लिख देना इस वाले चैट पे, ठीक है। ये वाला सेकंड चेक पॉइंट है। तो चलो यार, यहाँ पर के बोल रहा है कि यार मैं देखो ठीक हो चुका हूँ यार, चलो अच्छी बात है। अभी ये बोल रहा है ना हमको क्रूजर पे अटैक करने के लिए मेरा प्लान रेडी है यार। देख मैं बोला ठीक है बाद में बात करते यार, देखो मैं इनको बोला नहीं हूँ कि मैंने NSG सिक्योरिटी बाई की, ठीक है ना। तो सारे के सारे बंदे चैट पे NSG ज़रूर लिख देना। ऑल राइट गाइस, अभी ना मेरे को पता चला है कि यार यहाँ पे ट्रेवर आ चुका है क्या यार, ये सिक्योरिटी क्या बोल रहा है मेरे को रेड निंजा ने बताया कॉल करके, अभी जल्दी से आओ। एंड गेट पे ना भाई ट्रेवर आया है भाई, क्या बात कर रहे हैं, ट्रेवर इधर आया, उसको भाई ठोक डालूंगा भाई, इसको बता रहा हूँ। वो बोल रहा है ना भाई देखो मुझे माफ़ कर दो, मुझे ना छोड़ दो भाई, मतलब मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया है यार। देखो गाइस मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है ना भाई, ट्रेवर से बात करता हूँ, देखते क्या बोल रहा है भाई। देख तेरे को मैं माफ़ नहीं करने वाला, तूने जो मेरे साथ हरकत की है ना, मेरे इतने सारे लोग को मारा है, मेरे सिक्योरिटी के लोग को मारा है। तो यार ये बोल रहा है देखो यार मेरे से गलती हो चुकी है, मैं ना ऐसा नहीं करने वाला, मुझे माफ़ कर दो। देख भाई मेरा बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, तू मानता हो तो मेरा फ्रेंड है, ठीक है ना, बट तूने डगन से हाथ मिला के अपनी गद्दारी साबित कर दी, एंड मुझे मारने के लिए तूने क्या क्या प्लान नहीं किया। तो ये बोल रहा है देख यार मेरे से गलती हो गई, मैं तेरी एक हेल्प करूँगा, मतलब मैं ऐसे तेरी हेल्प करूँगा, एंड मैं ना सारी लोकेशन जितना भी उनका सीक्रेट है सब तेरे को बता दूंगा। तो यार देखो ये बढ़िया बात है यार, ये अगर मुझे सारे सीक्रेट बोलता है ना तो देखो मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाएंगी, एंड वो अभी कहाँ पर है क्या है नहीं वो सब मुझे बता देगा। तो यार देख तूने तो ये बात सही कही, बट अगर ये भी अगर तेरा प्लान रहा ना तो फिर मेरे लग सकते हैं। तो मुझे पता नहीं ये तेरा प्लान है कि नहीं, तू जल्दी से ना, अभी मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, बट तूने वो जाने दे, बट हम उसको मार ही सकें क्रूजर को, बट उससे पहले मैं तेरे को मारना चाहता हूँ साले, मतलब ये ले, मतलब तूने धोखा किया है, मतलब मेरे को मारने तक तू पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है, मतलब अपने दोस्तों को मारेगा यार, तेरे पे भरोसा करना मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल। तो यार इस पे मैं भरोसा करूँ कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले मैं इसको हाथ साफ कर लूँ ये ले, मतलब यार धोखा करता है पैसों के लिए ना बंदा, बिक चुका है मतलब अपने फ्रेंड को, अभी वापस आया भीख मांग रहा है, बोल रहा है देखो यार मैं ना तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी दोस्ती किया हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड था, मतलब मेरा मन बदल गया इसलिए मैं ना उसको छोड़ के आ गया। भाई ऐसे कैसे छोड़ के आ गया, इतने पैसे तुझे नहीं दिए क्या उसने, पैसे नहीं दिए इसलिए आ गया होगा ये, मुझे तो पक्का यही लग रहा है। ये धोखेबाज इंसान मतलब दिन भर पीते रहता है और इधर देख रहे हो, इधर आया मेरे पास ये ले साला, मतलब क्या इंसान है बे, ऐसे कैसे मतलब पैसों में बिक रहा है। एक सेकंड ये क्या भाई, गाड़ी का आगे उड़ाएगा क्या मुझे, चल निकल इसको ना और ठोकता हूँ ये ले साले, मतलब हिम्मत कैसी हुई, इधर तू आया कैसे। वो बोल रहा है ना सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा यार, क्रूजर को आज मार ही दूंगा, उसकी लोकेशन बता दूंगा। तो देखो वैसे भी मुझे ना क्रूजर की लोकेशन पता नहीं है, एंड मेरी आज NSG सिक्योरिटी आ रही है, तो यार चलो इसको ना मैं किडनैप कर लेता हूँ ड्राइवर को, मतलब उसको बांध के रखता हूँ, अभी उसको इतना मारा है ना, अभी वो बेहोश हो चुका है। तो यार देखो मुझे समझ नहीं आ रहा उसको मार दूँ या ना मार दूँ, आप लोग चैट में बताना उसको मारना है कि नहीं मारना है। अभी ना मैं उसको पकड़ के रखता हूँ, अगर आप बोलते तो उसको मार देंगे, क्योंकि ना मेरे साथ धोखा किया है उसने, मतलब इतना बड़ा धोखा ना मुझे दिमाग ख़राब हो गया है। वो बोल रहा है ना डगन की सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, तो चलो यार उसको हमने यहाँ पकड़ के ला लिया है, एंड इसने सारी ना मुझे क्रूज़र की इन्फॉर्मेशन बता दी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। एंड वो बोल रहा है ना आगे जाके मैं डगन का भी तुम्हारा पोल खोल दूंगा, मतलब डगन को भी हम लोग मार सकते हैं। तो यार ये देखो मेरे को यहाँ आगे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अभी मारूँ भी, ये हमारे बहुत काम आएगा, बट अगर ये मेरे साथ ये अगर ये ट्रैप हुआ ना डगन बॉस का तो फिर मेरे लग जाएंगे। तो एक काम करते हम लोग गाइस, ये प्लान में इसकी बात मान लेता हूँ, इसने मुझे लोकेशन बताया ना तो मैं फटाफट से उधर निकल जाता हूँ, एंड मैं किसी को बताऊंगा नहीं,
मिस्टर के मुझे कह रहा था, देखो यार हम लोग अटैक कर देते, हमें लोकेशन पता चल गई, बट मैं के को पता नहीं कि हमने नई सिक्योरिटी बाई की है, क्योंकि मुझे नहीं, मुझे कहीं अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि यार देखो हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो उनको बुरा लग जाएगा, मतलब समझ रहे हो। इसलिए आपके बोलने पर मैंने NSG सिक्योरिटी बाई की, तो चलो फटाफट से मैंने एक कार पकड़ लेता हूँ, एक सेकेंड में डिफेंडर ले लेता हूँ। चलो आप लोग बोल रहे डिफेंडर चलाओ, ठीक है चला लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमारा गैराज है प्यारा सा, कैसा लगा जरूर बताना। और सारे के सारे बंदे सेकंड चेक पॉइंट मैंने आपको दिया था NSG वाला, वो ज़रूर टाइप कर देना, एंड चेक पॉइंट अगला वाला भी आपको मिलेगा। तो फटाफट से हम लोग निकलते हैं, अभी मैं ना फटाफट से इनको कॉल कर लेता हूँ, जो हमारी NSG सिक्योरिटी है ना उनको कॉल करके बोल देता हूँ, क्योंकि वो ना अभी लॉस सेंटर्स में आ चुके हैं, एंड सारे के सारे उनके हेलीकॉप्टर्स एंड जो भी है वो आ चुके हैं, मतलब क्या ही बोलूँ। तो अभी ना खतरनाक वाली फाइट गई हम लोग करने वाले। तो अभी तक आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और यार गाइस सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब कोई करता नहीं तो दिल से बुरा लग जाता है, तो 1K लाइक जरूर कर देना। तो चलो यार फटाफट से ना आपको लोकेशन में मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली हमारी NSG सिक्योरिटी आ चुकी है। मैंने उनको बोला था कि यार इधर आ जाओ, एंड यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग सामने से आ रहे हैं जो कार्स लेके बड़े बड़े, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने बोला थोड़ा पीछे रहना, एंड देख रहे हो दोनों पे दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं हेलीकॉप्टर्स में, बहुत ज़्यादा ही हमारे NSG सिक्योरिटी के खतरनाक वाले गार्ड्स हैं, एंड कुछ लोग आगे से भी आने वाले हैं, मतलब ये खतरनाक वाली प्लानिंग है। तो जो लोकेशन हमको दिया था ना ट्रेवर ने, तो वो यही है। एक सेकंड यहाँ पे मैं देख लूँ पहले, एक सेकंड लग रहा है हमको ऊपर से ना कुछ दिख गया, आई थिंक वो बोल रहे हैं कि हम लोग फायर कर रहे हैं। एक सेकंड फायर कर दिया भाई, लग रहा है ना अंदर, एक सेकंड यहाँ पर गोली चल रही देख रहे हो, तो लगता है ट्रेवर ने सही बोला है। यहाँ पर मिसाइल, वो भाई साहब मिसाइल, NSG सिक्योरिटी ने मिसाइल डायरेक्ट अटैक कर दिया है क्रूजर के घर पर। ओ भाई साहब क्रूजर के घर पर डायरेक्ट हमला, एंड मैं भी डायरेक्ट अटैक कर लेता हूँ, फटाफट से इनका गेम ओवर करना पड़ेगा, मैं भी जाता हूँ एंड ग्राउंड अटैक कर पे। चलो यार यहाँ पर खतरनाक वाला, चलो भाई तुम भी लो भाई, इनका ना गेम ओवर करना पड़ेगा, अभी इनको पता चलेगा कि यार माइकल दी सेंटा है कौन। चल गया भी गया बेटा, और ये देखो भाई मिसाइल अटैक कर दिया डायरेक्ट ही, मतलब चलो अभी ना हमारे ग्राउंड अटैक करने की बारी आ चुकी है, एंड फटाफट से इनको मैं बोलता हूँ यार ग्राउंड अटैक जो भी वाले बंदे सबको भेज दो। तो यहाँ पे अभी सारे मिसाइल लॉन्च करेंगे, मिसाइल लॉन्च कर दो भाई, खतरनाक NSG सिक्योरिटी खतरनाक। यहाँ पे मिसाइल लॉन्च, एक और मिसाइल लॉन्च, चलो ये भी गया, एंड एक और लॉन्च कर दिया इधर भाई, सबको मार देंगे। देख लो क्या ही मिसाइल आ रहे ऊपर से, मतलब क्या ही बोले। चलो यार यहाँ पर ग्राउंड अटैक वाले बंदे भी आ चुके, ऑल राइट गाइस देख रहे हो खत्म है भाई, खत्म है बिल्कुल ही खत्म है, इन लोग का गेम ओवर है। एंटोनियो किधर गया, सॉरी क्रूजर का चला गया, क्रूजर का गेम ओवर करना है भाई, पूरे मेंशन तबाह कर देंगे, पूरा का पूरा, इसका जो भी इतना बड़ा घर है ना सबका सब तबाह कर देंगे। एंड चलो यार ये लोग ना अटैक कर रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ मिसाइल छोड़ रहे हैं आप लोग को पता भी नहीं चल रहा है। चलो फटाफट से ये देख रहे हो हमारे सारे के सारे कमांडोस आगे जा रहे हैं, भाई क्रूजर को ढूंढो, क्रूजर को मैं ही मारूंगा, कोई मत मारना, सिर्फ मेरा मारने का है उसको। यार अब यहाँ पे देख रहे हो सबको जला के रख दिया हेलीकॉप्टर ने, मतलब मिसाइल लॉन्च करके। चल बेटा तू भी ले, चल बेटा अब नहीं होगा तुमसे भाई, मिसाइल लॉन्च कर दो एक और, चलो खत्म है इधर, एक और मिसाइल लॉन्च, मतलब गेम ओवर है गाइस, इनका बचना नामुमकिन है, मतलब देख रहे हो एयर स्ट्राइक कर दिया डायरेक्टली, और लग रहा है कहीं और भी फाइट हो रही है क्या। मुझे बस क्रूजर को ढूंढना है, क्रूजर तुम उधर जाओ, मैं इधर जाके देखता हूँ। चलो यार इतने सारे ग्राउंड अटैक कर रहे हैं हमारे NSG सिक्योरिटी, और इधर मुझे क्रूजर को ढूंढना है, क्रूजर गया काम, मुझे लग रहा है भाग ना जाए, क्योंकि आज ही उसका गेम ओवर करना है, आज वो कहीं भी चला जाए, वो किधर भी चला जाए उसकी आज मैं कब्र से भी बाहर निकालूंगा। तो यार मुझे तो यहाँ पे दिखा नहीं यार, लग रहा है ना उधर ही गया वो, एंड हमारे हेलीकॉप्टर्स कहाँ गए इधर के। यार फटाफट से ना उसको आज मारना, ये कैसे भी करके वो कहीं गया नहीं है, सारा का सारा हम लोग चेक कर रहे हैं, हमारे जितने भी ना सारे NSG सिक्योरिटी है भाई, वो सारे चेक पॉइंट्स पे खड़े हैं, वो सब कुछ चेक कर रहे हैं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड, यहाँ पर कोई है क्या भाई, ये इस पर भी मिसाइल लॉन्च कर दो। चलो भाई तू भी ले, चलो यार ये गया गाइस, गया भाई, यहाँ पर कई और ही मिसाइल चल रहे हैं, मतलब नीचे बंदे है क्या। चलो ये लोग अटैक कर रहे हैं नीचे, वो कोई बात नहीं, मुझे क्रूजर तो मिला ही नहीं यार, लग रहा है ना इधर ही कहूँगा भाई, सारा का सारा एरिया यार गाइस इधर ना, इनके सारे बंदे क्रूजर के,
लग रहा है इधर है क्या, चलो फटाफट से चलो इधर से अटैक करना पड़ेगा। ये रहा देखो, ये रहा, ये रहा, इस पर मिसाइल डाल दो फटाफट से, इस पर भी मिसाइल डाल दो फटाक से, बड़ा वाला मिसाइल छोड़ दो इधर भी, चलो इन पे ना मिसाइल गिरने वाला है, फटाफट से अटैक कर दो, एनएसजी सिक्योरिटी मिसाइल गिराओ जल्दी से, यहाँ पर मिसाइल छोड़ो फटाफट से। चलो यार खतरनाक वाला मिसाइल छोड़ दिया है, और इनके ना भाई लाश है भाई यहाँ पर पूरे जल चुके हैं, खतरनाक है। चलो नीचे आके अटैक करने वाले इन पे एनएसजी सिक्योरिटी के साथ भाई, खतरनाक है यार। आप लोगों ने बोला था एनएसजी लो यार, एनएसजी के गार्ड तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। ये देखो भाई बिल्कुल ही गाइस मिट्टी में मिला दे रहे हैं यार। और भी है क्या, एक सेकंड, यहाँ पे और भी लग रहे हैं मुझे, एंड यहाँ पे लग रहे हैं सब प्लेयर है भाई, सब के सब जल चुके हैं, मतलब देख रहे हो भाई इनका ना गेम ही ख़त्म हो चुका है, गेम ओवर। तो यार ये एनएसजी के सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही डेंजर है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यार इतनी ख़तरनाक होगी, इतनी ख़तरनाक सिक्योरिटी यार। आप लोग ने जो मेरे को सजेशन दिया ना भाई, खतरनाक है। तो और भी मेरे को सिक्योरिटी के नाम बताओ जो कि यार इससे भी ख़तरनाक हो, बट यार ये एनएसजी, ओ भाई आराम से, ओ आराम से भाई, गलती से यहाँ पर मिसाइल छोड़ रहे थे नीचे से, बट गलती से यार एम गलत हो गया भाई, बीच में मिसाइल डालना था, चलो कोई बात नहीं। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, गजब है, गजब है। चलो इनको भी जला के मार दिया है भाई साहब, यहाँ पे मिसाइल छोड़ा, एंड बिल्कुल ही ना गाइस ख़त्म है भाई एकदम है यहाँ पर। जो भी है क्रूज़र, यार क्रूज़र कहाँ गया, जल्दी से ढूंढो भाई, सारे के सारे हमारे लोग ना क्रूज़र को ढूंढने में लगे हैं। एंड यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर और भी लोग आ चुके हैं, इनको भी गेम बजाना पड़ेगा, इन पर भी मिसाइल छोड़ दो, इन पे भी ना एनएसजी के भाई फटाफट से मिसाइल लॉन्च कर दो, इन पे भी लॉन्च कर देंगे मिसाइल गैस, इनका भी ना गैस ख़त्म कर देंगे। चलो यार ये तो वैसे मर रहे हैं, चलो ख़त्म है भाई, ये भी ख़त्म है। ये लो बेटा, क्यों भी ले ले, चल भाई निकल भाई, देख रहे हो मतलब क्या ही तबाही हो रही है, मतलब फुल एयर अटैक, मतलब ऐसा अटैक यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, पूरा ही तबाही, मतलब क्या ही गेम ओवर किया ना इन लोग का यार। क्रूज़र का भी सब लोग ढूंढ रहे हैं भाई, जो भी मेरे को ढूंढ मतलब पता कर रहे हैं वो लोग, तो अभी देखते हैं गाइस कब तक वो पता करते हैं, अभी हम लोग ना ढूंढते क्रूज़र को, एंड क्या पता चल जाए हमको मिल जाए, क्योंकि क्रूज़र यहाँ पे ही कही है, यहाँ पर ही कही है क्रूज़र, ठीक है ना गाइस। हमने सारे गाइस ब्लॉक्स किए थे पहले ही रास्ते, तो अभी जैसे पता चलता है हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर अटैक कर देंगे उस पर। तो यार अभी यहाँ पर तो कोई नहीं है, चलो बहुत सही काम किया तुम लोग ने यार, मतलब मज़ा आ गया। ऐसे ही ना फटाफट से क्रूज़र को ढूंढना है, एंड मुझे क्रूज़र का पता करो, जिसको भी मिला है मेरे को बताना। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हमारे प्लेयर ने ढूंढ लिया है, एंड क्रूज़र ना यहाँ पे बाइक पे जा रहा था इधर देख रहे हो, और यहाँ पर गाइस फटाफट से मेरे को इसका पीछा करना पड़ेगा यार। रुक जा रुक जा रुक जा, फटाफट से रुक जा भाई, बहुत ढूंढने के बाद मिला, इतना ढूंढा ना हम लोग ने उसको भाई, ये कहीं छुप के बैठा था, मतलब अभी उसको हमने पकड़ा है भाई। ये देख रहे हो भाई, मैंने बोला था ना आपको रास्ते पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये लोग, मेरा जो एनएसजी का बंदा इधर ना सब कुछ चेक कर रहा था, ये देख रहे हो। चल बेटा तू भी ले भाई उसको ना भाई, गिराना पड़ेगा, रुक जाओ, मेरे पीछे हेलीकॉप्टर है यार, हेलीकॉप्टर मिसाइल लॉन्च कर दो इस पे, एंड इसको ना तबाह कर दूँ। मेरे पीछे हेलीकॉप्टर भी है एनएसजी का, एंड वो ना इसकी भाई बैंड बजा देगा अभी, तो यार इसने फुल वेस्ट पहना है, इसको कुछ होने वाला नहीं है। मैंने एक और बंदा ऐड करना चाहिए, देखो मार रहा है, रुक जा मेरा हेलीकॉप्टर भी आ चुका है, अभी इसकी बैंड बजाते हैं, रुक जाओ भाई। क्या ही गाड़ी भगा रहा है, पता नहीं कौन सी टट्टी वाली बाइक मिली है ना मेरे, कसम से यार। कोई बात नहीं, इसका आज गेम ओवर है, आज भाई इसका गेम ओवर है भाई, आज ये मरने वाला है मेरे हाथों से भाई। रुक जा भाई, देख रहे हो इसका बंदा ना स्पीड कम कर लेता है, पीछे देखो ये मिसाइल ना भाई छोड़ रहा है, बट गाइस अभी गाड़ी की इतनी स्पीड है तो क्या ही करें, कोई ना इसको मैं ब्लॉक करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ भाई। हेलीकॉप्टर भी क्या आ रहा है ना, खतरनाक वाला। तो सारे के सारे बंदे अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैट पे लिख देना द एंड ऑफ लिख देना गाइस, क्रूज़र का एंड लिख देना, बस एंड लिख दो चैट पे, एंड लिख दो मेरे को भाई। ये देख रहे हो मेरे को उल्लू बना गया, मेरे को इधर से जाएगा, बट इधर से ना गाड़ी स्लो करके इधर से भाग गया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैट पे एंड ओपी लिख देना, एंड ओपी लिख देना, मेरे को समझ में आएगा। तो एक सेकंड मैं इसको फटाफट से पकड़ लेता हूँ, एंड इसका ना गेम ओवर कर लेता हूँ भाई। तो अब चलो यार ख़त्म है भाई, तू रुक जा बस भाई, तेरा बैंड ओवर भाई। इसको एक सेकंड में एक काम करता हूँ, इधर से मैं लेफ्ट में लेके ना इसको रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता हूँ, बस रुक जा भाई, इस पर ना भाई मिसाइल से मारेंगे। एक सेकंड मैं ना इधर जाके एक काम करता हूँ, चल बेटा अब आ जा भाई। उसने उधर से टर्न मार लिया, उसकी गाड़ी अटक चुकी है भाई साहब, यही प्लान था, एंड ये प्लान मेरा सक्सेसफुल हुआ। और यहाँ पे मिसाइल पे भाई चूरा कर देंगे इसको भाई। चल बेटा क्रूज़र तेरी आज लास्ट दिन है बेटा, आज तू मरने वाला, मिसाइल लॉन्च कर दो क्रूज़र पे भाई। गया भाई मिसाइल, भाई फिर भी नहीं मर रहा है, फिर एक और मिसाइल लॉन्च कर दो क्रूज़र पे, ख़त्म कर दो क्रूज़र को भाई, एक और अटैक मिसाइल लॉन्च भाई, ख़त्म है भाई। या तो भाई लग रहा है ना आज चूरा हो गया, मतलब चल बेटा तू भी गया, गेम ओवर हो चुका है फाइनली गाइस। सारे के सारे बंदे चैट पे एंड ओपी लिख देना, क्योंकि आज इस बंदे ने इतना हमको परेशान किया ना,
क्रूजर ने क्या ही बोली। तो चैट पे इंड ओपी लिख देना अगर आप तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तो फाइनली गाइस सबसे बड़ा वाला दुश्मन जो था हमारा एनएसजी की हेल्प से हमने ख़त्म कर दिया है। तो यार इसको मैं बहुत मारने वाला हूँ, मेरा इसने इतना दिमाग ख़राब किया ना, इतने लोग को मारा है, आपको क्या ही बोलूं। तो फाइनली गाइस द एंड ऑफ क्रूजर। तो सारे के सारे बंदे चैट पे ज़रूर लिखना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना भाई एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल में अगर वीडियो पसंद आ रही है। तो गाइस क्या ही बोले, तो यार बढ़िया वाला गाइस काम हो चुका है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे को खुद पता नहीं है गाइस इतनी ख़तरनाक वाली है सिक्योरिटी होंगी एनएसजी वाली, आपने बोला एंड इनका काम ही ओवर कर चुका है, मतलब गजब है गाइस। तो यहाँ पर कुछ एफआईबी वाले आए, मतलब फायर ब्रिगेड वाले आए भाई, इसको मारने का मन कर रहा है बट ये मर गया गाइस, मेरे को मारना था इसको बट इसको ना यार हमारे एनएसजी वालों ने मिसाइल से उड़ा दिया है, मतलब क्या ही कहे भाई। ये कह रहे ना भाई इसको छोड़ दो यार, तुम लोग इसके फ्रेंड हो क्या, ये नहीं सालों तुमको किसी ने बुलाया नहीं, इधर तुम आए थी जब मेरा घर ब्लास्ट हुआ तब तो आए नहीं थे ये लोग। तो यार इसको मैंने बहुत मारने की कोशिश की, ये मर चुका है, इसको इतना मार रहा हूँ ना, ये तो जल के बिल्कुल राख हो चुका है। बट चलो यार अभी मेरे को निकलना पड़ेगा, उससे पहले कोई और मैटर हो जाए एंड फटाफट से निकलते हैं गाइस हमारे गेस्ट घर पर। और गाइस हमको ना अभी ये जो सिक्योरिटी है उसको ना हमको मेलिबु मेंशन पर नहीं रखना है, उसको ना हमारे जो हाई फील्ड वाला मेंशन है उधर रखना है, क्योंकि ना मैंने अभी तक किसी को बोला नहीं है कि मैंने एनएसजी वाली सिक्योरिटी बाई किया है, क्योंकि मिस्टर जो के है ना उसको बुरा लग सकता है, उसको हम लोग सही टाइम पे बता देंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ये वो हमको वीक समझ के हमको नहीं लिया है। तो यार कोई बात नहीं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो गाइस लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो तो क्या ही बोले, सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना जितना हो सके यार, सब के सब लाइक करना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तो यार आपको मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए यार गाइस सभी को बाय बाय और सारे के सारे 3 चेक पॉइंट ज़रूर लिख देना, जो भी टाइप करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट ज़रूर मिलेगा। तो गाइस बाय बाय।